हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरिज लाइफ एंड ब्यूटी। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो ये आज होने वाला है समैरा का बर्थडे का ब्लॉग, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसमें जितनी सारी प्रॉब्लम आई ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फ़िलहाल तो मैं सिलाई कर रही हूँ समैरा का बर्थडे ड्रेस, जो मैंने 28 अक्टूबर को सिया था और बर्थडे था 29 अक्टूबर को, यानी एक दिन पहले ही फ्रॉक सिया था। तो चलिए, अभी तो मैं जा रही हूँ फ्रॉक और केक का सामान लाने, जो मैंने खुद से ही घर में किया। ड्रेस भी सिया और बर्थडे के दिन केक भी बनाया। तो देखिए, इस मशीन में मुझे सीना पड़ रहा है। तो इस मशीन में मुझे क्यों सीना पड़ रहा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा, मैं बताने वाली हूँ। इस मशीन में मैंने सिलाई इसलिए किया क्योंकि मेरी जो मशीन है ना, इलेक्ट्रिक वाली, वो प्रॉब्लम करने लगी थी। मैंने बॉटम सिया थोड़ा सा, उसके बाद उसमें धागा टूटने लग गया। बार बार सी रही थी, बार बार सेट बैठा रही थी, सेटल बैठा रही, ठीक कर रही, लेकिन उसमें धागा टूटते ही चला जा रहा, सिलाई हो ही नहीं रहा था। उससे पहले भी प्रॉब्लम हुआ, उससे प्रॉब्लम ये हुआ पहले कि जिस दिन मैं कपड़ा ले गई ना, उसी दिन मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया था, यानी बर्थडे के 5 डेज पहले ही। फिर मैंने सोचा कि चलो अब सिलाई ना दूसरे दिन से करते हैं, लेकिन उसके बाद घर में मेहमानों की लाइन लग गई, यानी रोज़ कोई ना कोई आ ही जा रहा था, तो सिलाई हो ही नहीं पा रहा था। इस तरह से सारे दिन तो निकल गए, अब बचा मेरे पास 2 दिन। तो उससे पहले एक दिन जाना था पीएम मॉल, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था क्योंकि समैरा से बोल के रखा हुआ था कि पीएम मॉल जाएंगे, तो उस दिन चले गए पीएम मॉल। अब मेरे पास बचा सिर्फ एक दिन, यानी 28 अक्टूबर, और 29 को बर्थडे था। तो 28 अक्टूबर को जब मैं सिलने बैठी तो प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि क्या हुआ मशीन के साथ। उसके बाद मैं इस मशीन में सीने लग गई, पैर वाले मशीन में, तो इसमें भी वही होने लगा, थोड़ा सा सिलाया, उसके बाद धागा टूटने लग गया। तो मुझे लगा कि धागा में प्रॉब्लम है, तो मैंने दूसरा धागा मंगाया, उसको लगाया, उसमें भी यही सेम प्रोसेस हो रहा था, बार बार धागा टूट रहा था। फिर कुछ देर मैंने मशीन को वैसे ही छोड़ दिया और आधे एक घंटे के लिए मैं आराम से बैठ गई। उसके बाद एक घंटे बाद मैंने जाके फिर से सिलाई स्टार्ट की, तो अल्लाह का शुक्र है कि सिलाई अच्छे से होने लग गई। और मेरा ड्रेस 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था सिलना, शाम को यानी रात को 8 बजे कंप्लीट हुआ। तो फाइनली ड्रेस कंप्लीट हुआ, मैंने बोव लगा के, उसमें स्टोन लगा के, आयरन करके ड्रेस को रख दिया। उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई। अब ये टेंशन था कि दूसरे दिन मुझे केक बनाना है, और वो भी डॉल हाउस केक। तो मैंने सब कुछ करके रखा था, सारा सामान लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने उसकी तैयारी भी करी, लेकिन सबसे पहले सुबह उठ के समैरा नहाई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद खाना वाना खा के 2 बजे से मैंने केक को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए गाइस, पहले हम ड्रेस की बात करते हैं। तो ड्रेस देखिए हमारा तैयार हो गया था इस तरह से, मैंने इसमें बो लगाया। तो अगर आपको इस ड्रेस का वीडियो देखना है, आप भी बनाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए भी, तो आप मेरे चैनल मायरस परवीन डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप यूट्यूब पे सर्च करके उसे देख लीजिएगा। और वैसे भी सिलाई का जिसे शौक़ है वो मेरे चैनल पर आराम से जा सकता है, क्योंकि और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो है, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ उसे देखिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, मैंने बो लगा दिया। अब मैं ना इसमें थोड़े से स्टोन चिपकाऊंगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल ही जाएगा, ठीक है। और फ्रॉक कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अभी मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो कम डाल पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूँ। तो देखिए, मैंने इसके बो में ना मिरर और स्टोन लगाया है इस तरह से, और इस फ्रॉक का ना कलर और लुक ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, पूरा क्लासी लग रहा था, एकदम बारबी डॉल जैसी। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस बो में थोड़े बहुत स्टोन चिपकाए, और गले में भी मैंने थोड़े से स्टोन चिपका दिए हैं। आपको फुल वीडियो देखना है तो मेरे दूसरे चैनल पे जाइए।
क्योंकि वहाँ आपको फुल वीडियो मिल जाएगा और वो भी पूरे डिटेलिंग के साथ। मैंने वीडियो को काफ़ी लंबा बना दिया है लेकिन आपको उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप चाहते हैं अगर ड्रेस बनाना सिलना जानते हैं या किसी से सिलवाना चाहते हैं तो बन जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम केक की तरफ। तो देखिए मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा था, ये भी सही था, केक को कटिंग कर लिया, गनाश बनाया, मैंने गनाश को भी लगा दिया केक पे इस तरह से, उसके बाद सारा कुछ किया, शुगर सिरप लगाया, बहुत अच्छा बन रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई पता है, व्हिप क्रीम में, पता नहीं कि जब मैंने व्हिप क्रीम डाला ना तो मुझे लगा कि वो ठीक है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने उसे व्हिप किया तो वो व्हिप सही हुआ था, लेकिन वो थोड़ी देर में ना सूखने लग गया, ड्राई होने लग गया, तो वो चिकना नहीं हो पा रहा था, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे ब्रेड से भी काट के ना गुंबद बनाए, सब कुछ किया, तो क्रीम के ड्राई होने की वजह से ना जैसा सोचा था वैसा बन नहीं पाया, मैंने बहुत चिकना किया था, एकदम पिंक कलर का बनाया था डॉल हाउस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ड्राई दिखने की वजह से मुझे इसमें ये वाइट डॉट्स डालने पड़े, और जब मैंने वाइट डॉट्स डाल दिया तो उसका लुक कुछ ऐसा आया, सबको पसंद आया फिर भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बना नहीं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आता रहे, और समैरा को मिले हैं इतने सारे गिफ्ट, समैरा है बहुत खुश, वो अपने गिफ्ट के साथ खेल रही है, और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।